एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि हल्का भोजन किया करो और दवा करो, परहेज करो, ठीक हो जाओ। और रास्ते में चला, सोचने लगा हल्का भोजन किया, हल्का। अब उसने अकल लगाई कि मिट्टी से हल्का पानी है, मिट्टी नीचे बैठ जाती पानी ऊपर उठ जाता, मिट्टी के ऊपर रहता पानी, पानी हल्का है। फिर सोचने लगा कि पानी के ऊपर घी तेल डाल दो तो पानी के ऊपर तैरता है घी तेल, तो पानी से हल्का घी तेल, और फिर घी तेल में जो सिके पूड़ी पराठा वो उससे भी हल्का। अब वो बोलो ऐसा हल्का भोजन करे। गुरु जी ने जो कहा वही करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहां न विषय कहे आशा। कभी आपने सोचा कि हमारे जीवन की काली मां क्या है? अच्छा आप ऐसे सोचे, आपने एक शब्द सुना होगा काला धन, बहुत चर्चा का विषय रहा काला धन। और काला धन का हमको तो एक ही अर्थ लगता है, चीज दूसरे की कब्जा अपना। किसी दूसरे की चीज अधिकार अपना। और हमें लगता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी कालिमा यही है। शरीर किसका? भगवान का। संसार किसका? भगवान का। अरे और तो और श्वास भी हमारी नहीं, यह भी भगवान की है ना। लेकिन कब्जा हमारा, जब तक हमारी श्वास चल रही है, हमें लगे भले ही कि हमारी श्वास है पर हमारी नहीं है। अगर श्वास हमारी होती तो जब मन होता तब लेते, नहीं मन होता नहीं लेते। और इतवार को तो लेते ही नहीं कि आज छुट्टी का दिन है आज तो ना लें। और कोई कहता तो हम यही कहते कि हमारी सांस लें ना लें, तुम कौन हो? तो श्वास भी हमारी नहीं, सब कुछ भगवान का है। और हम मंदिर में कहते भी हैं, तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। सब भगवान का है यह तो हम कहते हैं, तो है ही भगवान का। लेकिन सच्चाई से बोलना, हमने मान किसका रखा है? भगवान का तो हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई संत अपने घर में पधारे तो हम संत के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं महाराज आपका ही है ये घर, आपका ये परिवार, आपका कहते हैं। महात्मा भी जानते हैं कि हमारा नहीं है, कह रहा है, और कहने वाला भी जानता है कि इनका नहीं है लेकिन कह रहा है। और अगर कोई कहे कि महाराज सब आपका ही है, महात्मा कहे हमारा है, हाँ तो निकलो बाहर। अगर एक आध घटना ऐसी घट जाए तो लोग कहना बंद कर दें। हम भगवान से भी वैसे ही कहे जा रहे हैं सब आपका है। अच्छा समझदार आदमी भी मंदिर में कहेगा तन मन धन सब तेरा और भगवान को प्रणाम करके बाहर आएगा तो महात्मा से कहेगा मेरा मन नहीं लगता। भगवान हंसते कि अभी कह रहा था कि तन मन धन सब तेरा और अब कह रहा है मेरा मन नहीं लगता है। यही कालिमा है। एक सज्जन प्रार्थना कर रहे थे तन मन धन सब तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा, और इस पंक्ति पर ज्यादा जोर देकर प्रभु सब कुछ है तेरा। एक महात्मा सुन रहे थे वो हंस रहे थे, उसको बड़ा बुरा लगा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं महात्मा हंस रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने दो तब बात करता हूं। प्रार्थना पूरी होते ही गया, महाराज हम प्रार्थना कर रहे थे आप हंस रहे थे। महात्मा बोले हम तो जो कर रहे थे कर रहे, तुम क्या कर रहे थे?
कहा हम प्रार्थना कर रहे थे, तुम प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा हंसना देख रहे थे। वो बोला महाराज हम दोनों ही काम कर रहे थे। महात्मा बोले तुम दोनों ही काम करते हो इसलिए तो हम हंस रहे थे। वाणी से कहते हो तन मन धन सब तेरा, पर मन से पूछो, मन भीतर ही भीतर कहता तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा। आज के आदमी की नीयत तो इतनी खराब है कि प्रभु पड़ोसी का भी मेरा, इसका बस चले तो भगवान से भी कह दे मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। यह हमारा स्वभाव है। देखो एक संत ने लिखा बड़ा सुंदर, मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह है, मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह है, मेरा है सो मेरा और तेरा है सो मेरा है। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। और मध्यम मनुष्य की विनीत यह प्रवृत्ति देखी, वो कहते मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। पर उत्तम मनुष्य के विचार अति उच्च देखे, मेरा तेरा है सो तेरा और मेरा है सो तेरा है, और तीनों के बीच में बोल उठा ज्ञानी नर ये झूठ।